हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टू नॉलेज। आज हम करने जा रहे हैं 12 जनवरी 2020 के करंट अफेयर्स। स्टडी टू नॉलेज चैनल पे हम कवर करते हैं करंट अफेयर्स फॉर HPAS, HP एलाइड सर्विसेज, SSC, रेलवेज, बैंक PO, क्लर्क, RBI, स्टेट PCS के लिए। तो जो व्यूवर अभी स्टडी टू नॉलेज चैनल पे नए आए हैं, वे स्टडी टू नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि आप लोग स्टडी टू नॉलेज चैनल की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को प्राप्त कर सकें और अपने प्रिपरेशन में लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अभी जो 27वां एडिशन हुआ है साउथ एशियन ट्रेड एंड ट्रैवल एक्सचेंज एक्सपो सैटी 2020, तो ये कहाँ पे हुआ है? ये जो एक्सपो हुआ है, ये हुआ है न्यू दिल्ली में। इसमें जो पार्टनर था जो जिसने स्पॉन्सर किया था, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत, तो ये किया था जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट ने स्पॉन्सर किया था इसको। इसका जो ऑब्जेक्टिव था एक्सपो का, इसका था टू बिल्ड न्यू बिजनेस पार्टनरशिप, और ये टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए किया गया था ये ऑर्गेनाइज एक्सपो। अभी जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है 2020, इसके अनुसार इंडिया का जो पासपोर्ट रैंक है वो वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इंडेक्स में 2020 में कितना है? तो इसका इंडिया का इंडेक्स है 2020 में वो है 84th, और 2019 में था ये 82nd। तो इसमें दो स्थान का ड्रॉप हुआ है। इसमें जो टॉप किया है वो जापान ने किया है, और उसके बाद जो सेकंड नंबर है वो सिंगापुर है, और थर्ड नंबर पे जर्मनी और साउथ कोरिया है। हेडक्वार्टर है हेनली एंड पार्टनर का लंदन UK में, फाउंडेड हुआ था 1997 को। चेयरमैन है हेनली एंड पार्टनर के क्रिस्टीन कैलिन, और CEO हैं जुअर्ग शेफिन। अभी जो 7th नेशनल आइस हॉकी चैम्पियनशिप हुई है वीमेन की, तो ये लद्दाख में हुई है। तो इसमें किसने जीती है ये वीमेन ट्रॉफी? तो ये जीती गई है लद्दाख की टीम के द्वारा ही, लद्दाख। और जो प्रेसिडेंट है आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, वो हैं KL कुमार। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं लद्दाख के राधाकृष्णन माथुर। अभी जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल एंड इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर इनॉग्रेटेड किया है। तो ये कहाँ पे किया है? ये किया गया है न्यू दिल्ली में। यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह। अभी जो यूनियन गवर्नमेंट है, उसने रिलीज किया है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। तो इसके अनुसार जो इंडेक्स में टॉप किया है वो कौन कौन सी स्टेट है? इसमें टॉप किया है हरियाणा, कर्नाटक और केरला ने इसमें टॉप किया है। इसमें जो वर्स्ट परफॉर्मर थे वो थे मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड एंड राजस्थान। इसमें 97 इंडिकेटर यूज़ किए गए थे इसको इंडेक्स को बनाने में। इसको रिलीज़ किया गया था ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी अलॉन्ग विद अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंसी इकोनॉमी के द्वारा। अभी जो इंडिया ने एक डिप्लॉय कर दिया है एयरक्राफ्ट कैरियर है जो INS विक्रमादित्य, जो कि लॉन्च की जिसको डिप्लॉय किया गया जो पाकिस्तान चाइना की नेवल एक्सरसाइज है उसके बीच में, तो अरेबियन सी में डिप्लॉय किया है इसको। तो ये जो एक्सरसाइज हो रही है पाकिस्तान और चाइना के बीच में, ये कौन सी है एक्सरसाइज हो रही है? तो ये जो एक्सरसाइज हो रही है पाकिस्तान और चाइना के बीच में, ये हो रही है शी गार्डियंस। जो इंडिया और चाइना के बीच में एक्सरसाइज होती है वो है हैंड इन हैंड। अम्मावती एक स्कीम है, ये कहाँ पे लॉन्च की गई है, किस स्टेट के द्वारा लॉन्च की? अम्मावती स्कीम को लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है ये, इसके अंतर्गत जो नवरत्नालु प्रोग्राम है, इसके अंदर का जो फर्स्ट स्कीम है ये कंट्री की। तो इसका जो एम है वो है कि जो क्लास फर्स्ट से लेके जो प्लस टू तक जितने बच्चे होंगे पब्लिक या प्राइवेट स्कूल में, जो BPL कैटेगरी में होंगे, उनको प्रत्येक वर्ष 15,000 रुपये पर एनम दिए जाएंगे उनको, जब तक उनकी प्लस टू की एजुकेशन पूरी नहीं हो जाती। तो इसके अंतर्गत एक जो कंडीशन है उसमें कि जो गार्डियन और मदर होगी चाइल्ड की, उसको इंश्योर करनी होगी 75% अटेंडेंस ऑफ द चाइल्ड। आंध्र प्रदेश के CM हैं YS जगनमोहन रेड्डी जी, गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। अभी कोरोना वायरस है
वो रिपोर्टेड किया गया है। तो ये किस कंट्री में रिपोर्टेड किया गया है कोरोना वायरस, इससे जो निमोनिया होता है, तो ये रिपोर्टेड किया गया है चाइना में, चाइना में रिपोर्टेड किया गया है कोरोना वायरस। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप यू हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।